बाबूजी बहुत इज्जत मिला रे। बड़ी इज्जत हो गई भाई। महाराज तो महाराज, उसका दोस्त गजराज सिंह भी हमें बेइज्जत किया, और महाराज एक शब्द भी उसे ना कुछ बोले। आपके तो जोन बेइज्जती भाई भवाई भाई, मां सबसे बड़ी बेइज्जती हुई। हाँ सबसे तो इज्जत ज्यादा है यो सारे साले, शाम से बहुत इज्जत। अगर फेंक देगा साले को गोली मार दूंगा। अरे कहे यार वही बात भी यार बाबू है। निरवा ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं रे, खोपड़ी खराब है। अरे खोपड़ी खराब पचौनी में डाल लियो। कहने का मतलब महाराज का दोस्त गजराजवा आया और हमारे कुर्सी पे बैठ गया, और उसको हमने जब कुर्सी से उठाया तो महाराज ने हमें बेइज्जत किया। अरे बाबू वादा तुमका कहे जो उसके सामने हमें बेइज्जत किया, महाराज ने जो किया किया, लेकिन वो गजराजवा हमें साला जूता दिखा रहा था। निरहुआ हमारे पास ऐसा एक जूता का नंबर है जो किसी के पास नहीं है। कैसे नंबर बाबू? बनाने वाला साला जूता भी और बनाने वाला साला इंसान भी। जानो भार्गव के पन है फेल है। वो हमारे पास है। कैसे? महाराज के बेटे प्रमोद को एडमिशन करवाने का जिम्मेदारी हमारी है। आपकी है? ले जाना, ले आना काम हमारा है। अब करी है का? है? अब का करी है? अगर साले इतना ही तेरा दिमाग काम करता तो तुझ में और मुझ में फर्क क्या रह जाता। निरहुआ बाबू अब यहाँ से हम चलेंगे प्रमोद को लेकर के एडमिशन करवाने के लिए, और ऐसे मास्टर के पास ले चलेंगे कि देखेंगे लोग तो कहेंगे कि ऐसा मास्टर होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। आओ हमारे साथ चलते हैं प्रमोद के पास। क्या बताऊं, कॉलेज जाने का टाइम हो गया, लेकिन मंत्री चाचा जी अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मन के आने का इंतजार। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। अरे नमस्ते बेटवा, नमस्ते चाचा जी। चलिए खांसी न रहो, बुखार रहो। अरे कहते हैं बेटा खुश रहो, हमसे नहीं बना। प्रमोद चाचा जी, तुम्हारे पिताजी ने यानी महाराज ने हमारी ड्यूटी तुम्हारे देख रेख व एडमिशन करवाने का हमें जिम्मेदारी दी है। क्यों नहीं, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें ले चलते हैं अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन मैं कराऊंगा। और हाँ, पढ़ाई ऐसी होगी वो उस कॉलेज में कि जितने हिंदुस्तान के बच्चे पाकिस्तान के बच्चे सब फेल हो जाएंगे, लेकिन तुमको हम पास करवा के रहेंगे। जरूर चाहिए, ये हमारी गारंटी। ऐसा ही होना चाहिए। आ हमारे साथ। मंत्री जी, आपने मुझे लात मारा, आखिर इस तरह आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा पैर फिसलने वाला था, हमने तुम्हें
उसको छलांग मारने के लिए इशारा किया था। नहीं चाचा जी, चलो चलो चलो, घबरा ना। लेकिन चाचा जी, ये रास्ता तो जंगल की ओर जा रहा है, आखिर आप ये बियावान जंगल में मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्रमोद, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो जंगल में भी होते हैं। नहीं चाचा जी, मुझे आगे चलने में डर लग रहा है। हमारे अब मैं नहीं जाऊंगा। हमारे रहते हुए डरने की क्या जरूरत है? लेकिन जंगल है, साथ में सिपाही भी है, साथ में राइफल भी है, घबराने की क्या जरूरत है? हमारे साथ सिर्फ तुम चलते रहो। नहीं चाचा जी, मुझे डर लग रहा है। हमने कहा चलो। अब मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। हमने कहा आगे चलो। साले तेरे बाप का मैं नौकर हूँ, नौकर हूँ तो इतना मैं नीचा हूँ कि तेरे देख रहे। अरे नहीं चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हो? साले पढ़ाई करोगे, वकील बनोगे, मास्टर बनोगे, मास्टर बनोगे साले। आज तेरा बाप हमें राज दरबार में बेइज्जत किया और उसका दोस्त आया तो हमें बेइज्जत किया। कल साले पढ़ लिख करके हमें तू भी अपने बाप जैसे साले हमें बेइज्जत किया। Thank you.
सुनीता जी को बताऊं। बेटा जाओगे इस जंगल से कब? जब मंत्री विक्रम सिंह की इजाजत होगी तब। तुम यहाँ से महाराज के पास रही, हम तुम्हारा एडमिशन तो करवा दे। पढ़ गए ना बेटा? भगवान, इस जंगल की तरफ से बच्चे के चीखने की आवाज आ रही है, चलकर देखना चाहिए ये आखिर बच्चा क्यों चीख रहा है, मदद करना चाहिए। साले अगर प्रमोद भाग गया तो राज दरबार पहुंच जाएगा, अगर महाराज के पास पहुंच गया तो साले हमारी तुम्हारी फांसी हो जाएगी। प्रमोद को घेर लो, तुम इधर जाओ। कोई बचाओ, कोई बचाओ। हरा गया तो अगर मुझे पा गया तो मुझे जान से मार देगा, मुझे फौरन इस जंगल से निकालने दे। आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं भी तेरे बाप के सामने महाराज महाराज करता रहता हूँ, लेकिन एक भी साला हमारी बात नहीं सुनता, हमें सिर्फ बेइज्जत करता रहता है। छोड़ दीजिए, अपमान का बदला हमने आपको क्या बिगाड़ा, उससे चुकाऊंगा, एक एक को खत्म करूंगा और उसके बाद महाराज मैं बनकर दिखाऊंगा, क्योंकि हमें सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन प्रधान जी हमें बेइज्जती बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। खड़े रहो, हम 112 बुलाए। अबे साले 112 बुलाओगे तो साले तुम भी हमारे साथ में पहले जाओगे। एक काम करो, राइफल कहीं बहा दिया है? अरे साले हमने कत्ल किया तो फेंक दिया है, तू कौन है खुशी में फेंक दिया है? ले रहुआ, चल चले, ले रहुआ।
इससे पहले कोई जंगल की तरफ आए हमको तुमको धीरे में निकल लेना चाहिए, और यहाँ से निकलने के बाद जो कोई आएगा इसके पास उसको साले को मुजरिम बनाएंगे। काम हमारा होगा लेकिन नाम उसका होगा। साले इसको कुछ जुगाड़ का सर नहीं, हम खुद ही पकड़ जाएंगे। अरे साफ करने के लिए साले खून का नाम मत लो, साले तुम्हारे पिछवाड़े में खून लगा है। अल्लाह बाबू कहो देखे कहे बाबा सीर हो गया है। रहुआ अब धीरे में निकल ले, धीरे में निकल जल्दी से, साले नहीं लाश भी पड़ी है। हे भगवान, यही तो बच्चे की आवाज आ रही थी, चलकर देखना चाहिए। हे भगवान, ये तो हमारे दोस्त बलराज सिंह का बेटा है। किसने मार दिया इसे, इसका कत्ल किसने किया? परमोज, परमोज, अगर तूने खून नहीं किया तो क्या हमने किया है? खून करके हर कातिल कहता खून हमने नहीं किया है। मंत्री जी, आप आपको आपको गलतफहमी हो गई है। अरे कजरदीवा, साफ साफ बता खून किसने किया? और खून खून किसने किया? साले खून किसने किया है? साफ साफ बता खून साले किसने किया? तेरे हाथ में शमशीर, इसका मतलब खूनी तू है। नहीं, मैं खून नहीं किया, और खून न जाने किसने किया, और बदला Thank you.
बदकार और सच सच मुझको दे बता वरना करिंदे ये साला खूनी है कैद करो साले को कैद करो हम खून करते हुए और तेरे हाथ में शमशीर भी देखा हाँ मंत्री जी आपने मेरे हाथों में शमशीर देखा लेकिन मैंने इस बच्चे की चीखने की आवाज सुनकर मैं अपने काली नगर की तरफ वापस जा रहा था अचानक ये आवाज सुनकर मैं दौड़ कर इस बच्चे की मदद के लिए आया लेकिन मुझे नहीं मालूम ये खून और महा मंत्री गलती और महा मंत्री गलती नहीं कुछ हमारी महामंत्री किया तो फिर किसने किया है क्योंकि लाश के पास तू और उसे गर्दन पे रखा हुआ शमशीर भी तेरे हाथ में मंत्री जी मेरी बात मानिए रहुआ कैद करो साले काज करो मैं कहती हूँ साले कहते हो ले चलो महाराज के पास फैसला राज दरबार में होगा खून किसने किया है अगर ये साला झूठ बोलता है तो सच भगवान कौन सी मेरी गलती किस सजा मुझे दे रहा है भगवान आज तक ये ठाकुर गजराज सिंह हर एक की मदद करता आया है किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता आज तू किसकी सजा मुझे मिल रही है भगवान आज इस दुनिया में कोई मेरी फरियाद सुनने वाला इस भरी दुनिया में इस भरी दुनिया में अब कोई भी हमारा ना हुआ इस भरी दुनिया
में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, गैर तो गैर थे, अपना का सहारा न हुआ। खराबर खराबर मत करो। हमने अच्छा चाल चलाना। हाँ तुम ऐसा चाल चलो बाबू जैसे मेरे वही चलती। कारे तो का सारे हम मेहरारू नजर आए थे। लाश को ठिकाने लगाओ और लाश को साथ में लेकर चलो। ये बात एक शादी में लगाओ, उसके बाद लाश को उठाओ महाराज के पास ले चलो। चले तुरंत तत्काल इसी वक्त। ठीक। राज दरबार में सच सच बोलना। सच बोलेगी क्या? खून किसने किया है? आपने किया है। साले हमारे कहने का मतलब कि ये बताना है कि खून उसने किया है। आप कहो सच सच बताओ। अरे कहने का मतलब साले तुम भी हमारे साथ साले तुम भी पहले जाओगे। बाबू कहो झूठ नहीं बोले। अगर तुम बेटा झूठ नहीं बोलोगे ना तो आने वाली होली में रंगों की होली तो सभी ने देखा है। रंगों की होली तो सभी ने देखा है, लेकिन आने वाली होली में तुम्हारे खानदान परिवार में सिर्फ तुम्हारी बीबी को छोड़कर कोई होली खेलने वाला नहीं रहेगा। अच्छा बाबू ये बताओ हमारे बीबी का कह छोड़ रही हो? सब मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे, तुम्हारी औरत को हम संभाल लेंगे। हम जा रहे सारे, तुम्हारी निगाह हमारे महल के ऊपर है, तुम साले अन्न कम दी हो लेकिन लेवल हासिल ले आओ।